हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक सीएससी सेकेंड ईयर में है, आज हम आपको जो आपका टॉपिक चल रहा था, आपका डिस्पर्सल टॉपिक चल रहा था, प्रकीर्णन की युक्तियां, जिसमें हम यहां पर वायु प्रकीर्णन के बारे में पढ़ चुके थे। वायु प्रकीर्णन के आपने टाइप्स, कितने प्रकार से वायु प्रकीर्णन होता है, वो आपका क्लियर हो चुका था। आज हम जल प्रकीर्णन का पढ़ेंगे, जल प्रकीर्णन की क्रियाविधि कैसे, जल द्वारा कैसे प्रकीर्णन की प्रोसेस होती है, ठीक है, उसके टाइप्स, और साथ साथ हमारा टॉपिक जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, प्राणियों द्वारा, अगर यांत्रिक उद्दीपन तक जाता है तो अपन ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं जल प्रकीर्णन के लिए। जो लोग नोट कर रहे हैं आप लोग नोट कर लीजिए। जल द्वारा जिन पौधों के बीज और फलों का विकिरण होता है, वह या तो जल में उत्पन्न होते हैं अथवा जलाशयों के किनारे उत्पन्न होते हैं। जल द्वारा जिन पौधों के बीज और फलों का विकिरण होता है, मतलब डिस्पर्स होते हैं, विकृत होते हैं, वह या तो जल में उत्पन्न होते हैं अथवा जलाशयों के किनारे के पौधों के ही होते होंगे बीज। इन बीज और फलों में निम्नलिखित युक्तियां पाई जाती हैं। नारियल, ठीक है, कोकोस न्यूसीफेरा जिसका बॉटनिकल नेम है, सुपारी आदि के फलों की मध्य भित्ति रेशेदार, अंतः भित्ति कठोर होती है। रेशेदार मीजोकार्प फलों को पानी में तैरने में सहायक होती है और आसानी से पानी में तैरते रहते हैं, जिससे ये काफी समय तक प्रकीर्णन के लिए पानी में तैरते रहते हैं। तो ये हो गया जल द्वारा प्रकीर्णन। इसी प्रकार से कमल का पुष्पासन मांसल तथा रेशेदार हो जाता है और जल प्रकीर्णन में सहायक होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कमल के आप डायग्राम बना सकते हैं। कमल का जो आपने कमल गठन आया होगा और जिसका वो डंठल बना रहता है, उसका डायग्राम शो यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर लिली। फॉर एग्जांपल में वाटर लिली में व सैजिटेरिया के बीज हल्के तथा जल प्रूफ वाटर प्रूफ होते हैं, अतः प्रकीर्णन करते रहते हैं जल में, ठीक है। तो ये तीन एग्जांपल मैं फिर से बता रही हूँ, नारियल, मुंह सुपारी, कमल और ये वाटर लिली, ठीक है, और सैजिटेरिया के बीच। अब हम बात करते हैं जंतुओं या प्राणियों द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है। तो जंतुओं डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, तो लगभग खाने योग्य फलों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है। जो जंतु या तो खा लेते हैं और वो अपनी पाचन के माध्यम से वो उनको बाहर निकाल त्याग देते हैं बीजों को, या फिर उनकी बॉडी में किसी माध्यम से वो सीड्स चिपक जाते हैं और जंतु एक स्थान दूसरे स्थान पर गमन करता है, तो वो सीड्स वहां से वहां, यहां से वहां, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंतु के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो अन्य विधियां भी हो सकती हैं, ठीक। तो इन फलों की अंतः भित्ति अथवा बीजों के टेस्टा कठोर होते हैं, जिसके कारण जंतुओं की भोजन नाल में इनका पाचन नहीं होता है और अनपचे भोजन के साथ मल द्वारा त्याग कर दिए जाते हैं। और गूदेदार फलों के बीजों का प्रकीर्णन पक्षियों द्वारा होता है और पक्षी गूदेदार फलों को बड़े चाव से खाते हैं। फलों तथा गूदा को उनके आहार नाल में पच जाता है, परंतु कठोर बीज का पाचन नहीं हो पाता और ऐसे बीज पक्षियों के शरीर से मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। पक्षी उड़कर जगह जगह जाते हैं, मल त्यागते रहते हैं, या जंतु भी इसी प्रकार से जगह जगह जाते हैं, मल त्यागते हैं, जिसके साथ बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। और यह भी देखा गया है कि जंगली पक्षियों के शरीर के अंदर ही इन बीजों का अंकुरण भी प्रारंभ हो जाता है, जब उन पर अंदर ही अंकुरण शुरू हो जाएगा, अतः उन्होंने जंगली पक्षियों को फ्लाइंग जर्मिनेटर जिसके नाम से संबोधित किया, क्योंकि उड़ता हुआ एक प्रकार से जर्मिनेट मतलब अंकुरित, जर्मिनेटर अंकुरित बीज, और वो भी उड़ता हुआ पक्षी के साथ है। तो ऐसे टमाटर, अमरूद, अंजीर, पीपल, ककड़ी आदि पौधों में पक्षियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है, ठीक है। तो क्लियर है आपको। अब हम इसमें से जो जामुन, बेर, आम, फालसा, शरीफा, लीची, गूदेदार फलों का प्रकीर्णन मनुष्य, बंदरों, पक्षियों द्वारा भी होता है। इसके अतिरिक्त जंतुओं द्वारा अनेक फलों का प्रकीर्णन निम्नलिखित युक्तियों द्वारा भी होता है। तो हम फल के बारे में, जैसे पहला कॉकलेवर, बचाटा,
मोर्टिनिया, डायंड्रा के फलों पर हुक्स पाए जाते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो को चलने वाले जानवरों के शरीर से चिपक जाते हैं और बहुत दूरी तक ले जाए जाते हैं। प्यूपालिया लेपेसिया के फल को हुक जैसे कांटे लगे रहते हैं, जैसे लव घास या एस्टिडा के फलों पर कड़े तथा मुड़े हुए रोम पाए जाते हैं जो प्रकीर्णन के लिए जंतुओं के शरीर पर उलझ जाते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब हम यांत्रिक प्रकीर्णन भी पढ़ेंगे कि यांत्रिक प्रकीर्णन क्या है। तो कुछ फूल एकाएक फट जाते हैं, क्यों फटेंगे, यांत्रिक उद्दीपन, कोई यांत्रिक शक्ति, जिसके बीज बहुत दूरी तक छिटक कर फैल जाते हैं क्योंकि फलों में विस्फोटन के समय एक झटका लगता है। इस प्रकार से फल विस्फोटक फल कहलाते हैं। ऐसे फल जिनमें झटका लग रहा है, यांत्रिक उद्दीपन हो रहा है, उन्हें हम विस्फोटक फल कहते हैं, जैसे कचनार, एंटाडा, जायगस, ठीक है, वाल्सम, तितली मटर, अरहर, ठीक है, लेग्यूमिनेसी की जाती, तितली मटर इनके लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और क्या होता है, ये फल ऐठन बहुत चौड़ाई में खुल जाते हैं और इनमें क्या होता है, फल विस्फोटित होकर अपने मात्र पौधे से 7 मीटर की दूरी तक फेंक दिए जाते हैं। कितने मीटर, 7 मीटर तक की दूरी को वे फेंक दिए जाते हैं, ठीक है। इंस्पेंसेंट जो कि पके हुए फल एकाएक छूने पर ही विस्फोटित हो जाते हैं। कुछ कैसे होते हैं, इम्पेशेंट, इम्पेशेंस, बालसामीना, जो फ्रूट्स होते हैं, मतलब उसको टच भी हल्का सा किसी भी झटके या टच हो जाने से ही वो फ्रूट कैसे हो जाए हैं, फट जाते, वो विस्फोटित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बीज झटके के साथ बाहर निकल आते हैं विस्फोटित होने पर, और पटीय स्फुटन होता है किसी में, जैसे कोशाई तो किसी में पटीय, पट से भी स्फुटन होता है, वो पट से फट जाते हैं, ठीक है, और बिखरे हुए कोशाई बीजों को बिखेर देते हैं। और वर्तिकाएं अंडकों कार्पोस्पोर्स में जोड़ी हैं ऊपर की ओर तथा बाहर की ओर मुड़ जाती हैं, बीजों को बाहर ये फेंक देती हैं, ठीक है। और अवरस के पके फल एकाएक फटने पर मुड़ जाते हैं तथा बीजों को बिखेर देते हैं, एकाएक वो कैसे होते हैं, मुड़ जाती हैं, बीजों को बिखेर देते हैं झटके से। विशिष्ट प्रकार की बीजों का प्रकीर्णन फुहारा खीरा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रकीर्णन, मैंने आपको समझा दिए, जल द्वारा, वायु द्वारा, जिसमें वायु द्वारा हमारा हो गया था, जल द्वारा बता दिए हैं, जिसमें से जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन बता दिए, मनुष्यों द्वारा भी आपका, प्राणियों द्वारा प्रकीर्णन हो चुका है, एग्जाम्पल भी बताए हैं, और अब यांत्रिक प्रकीर्णन भी क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। तो कोई प्रॉब्लम आपको, थैंक यू।